से। ओ इतना टाइम नहीं है मेरे पास, शाम तक मम्मा को उठा के सिग्नेचर करा लेना है। जी 150 रुपए का खड़ा गया था मैं, 80 रुपए का, अरे आपने 75 रुपए का, तो 150 75 200। 250 कहाँ गए, ये तो तू पहले भी लगा चुका है, तू तो 8वीं तक मैथ पढ़ा है ना। ओके भाई 70 80 90। हाँ भाई बोक। सर मैंने अभी अभी सबको बाहर जाते देखा है, मामा को उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ओए 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 मामा सा ओ मदन बढ़िया है भाई, वो हम आते हैं ना उनकी तनाई मिटाने वास्ते। ओए कम ऑन भाई पधारो। अच्छा तो आप लोग हमारा अपहरण कर रहे हैं। खमा घनी, खमा घनी। अच्छा भाई ऐसा है, देखिए जब भी आप लोगों को उचित लगे हमें बता दीजिएगा कि आप लोग हैं कौन और हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। खमा घनी मामा जी, खमा घनी। चिंता को इससे बड़ा यार मामा जी आए हैं। बिल्डर बनेगा नंबर वन। कैसा चल रहा है भाई, कैसा चल रहा है अपहरण का कारोबार? इसके अलावा कोई साइड बिजनेस भी है आप लोगों का कि नहीं? लीडर कौन है? तू है बॉस, तू कर, चुप कर, मुंह बंद कर इसका। और किडनैपिंग हमने करी है, टॉर्चर ये कर रहा है। नो सर जी, मुंह बंद कर, कपड़ा डाल इसके मुंह में। तेरा हाथ दिखा, ओए हटो, ओए हटो तेरे मामा की। मैं जलेबी भाई, रत्ना जलेबी भाई, चल भैया। क्या भाई क्या बोला था मैंने? चल निकाल 125 रुपया मेरा। अरे मैं क्या बोलूं पारिक भाई, हाँ मेरे पास पैसे भी कितने बचे हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ रणवीर भाई, अरे अभी उठा लो, अभी टाइम है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस पे लगाऊं। खाद पे लगा दे भैया, खाद पे लगा दे। छोरी कुछ खाएगी क्या? पारिक भाई फर्टिलाइजर पे लगा दो। हाँ फर्टिलाइजर पे, हाँ खाद पे। ठीक है भाई, आपके कहने पे लगा रहा हूँ। हाँ सारे शर्तें जीतते हो ना आप, कोई टिप तो मिली होगी आपको? अरे टिप तो वेटर को मिलती है मेरे भैया, हमारी तो जुबानी टिप टॉप है। अब देखो बरखा आएगी, बरखा फसल उगेगी, फसल बैल गोबर रखेंगे तो खाद बिकेगी, मतलब मंडियों में इस बार भरपूर अनाज होगा। बम बम भोले हैं। मामा जी आपसे एक छोटा सा प्यारा सा सिग्नेचर चाहिए, इस कागज। कैसा हस्ताक्षर, कौन सा कागज? कोनी कोनी। मामा जी बोल मकोड़े, आप साइन करोगे कि नहीं? नहीं नहीं सर जी, मामा जी चाहे तो भी साइन नहीं कर सकते, वो तो पूरे गड़े रेत में, मेरा मतलब माटी में। और तो मुझे नहीं पता क्या मामा जी। नहीं करोगे आप? नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया हम भी चलते हैं, जाओ। ठीक पर मामा जी यहाँ पे सांप बिच्छू आएंगे ना, उन्हें तंग मत करना। नहीं नहीं, ऊपर वो जो देख रहे हो 2-4 गिद्ध घूम रहे, वो अगर आपको चोंच मारे, आपका मांस उखाड़े, नोचे, तो चिल्लाना नहीं है। चिंता करो, क्योंकि रेगिस्तान में तो भाई रूल है फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवर। ठीक है ठीक है। ओए मामा का ध्यान रखना है तुम्हें। चलो चल 15 मिनट का एक राउंड लगा के वापस आते हैं, अपने आप फट से साइन कर देगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल नीचे नीचे कर दो। मालिक तेरे बंदे हम। मामा सा मां गए, मन ही नहीं करा आपको छोड़ के जाने का। ओए और कोई काम नहीं तुम्हें आवारा? वो साइन का प्लान कैंसिल, एक मेहरबानी करो हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। नालायक, जीवन का रास्ता बदल दो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मामा साहब प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप रास्ता बताओ। जानता हूँ, बता दो ना प्लीज, निकाल लो ना हमें इस रेत के समंदर से। मालिक तेरे मम्मा, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा।
मामा इसे देखो, इसकी तो प्यारी प्यारी बीवी है, चार छोटे छोटे बच्चे। मामा सा, अगर आपने हमें रास्ता नहीं बताया तो इसका हंसता खेलता परिवार रास्ते पे आ जाएगा। ए, ए, ये क्या भद्दा मजाक है? मजाक? सर जी, मजाक है? ये मजाक है? मुझे बचा लो, मामा सा, मामा से प्लीज मुझे बचा लो। तू नाराज हो गया? तेरे पे गोली थोड़ी ना चलाऊं, तू तो भाई है। ओए, ये कौन सा साधु समझ रहा है अपने आप को? और बस बस दोस्तों, रेगिस्तान इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।